रतलाम में वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। यहां 45 प्लस के साथ 18 प्लस नौजवानों की भीड़ लग गई है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मैदान में दूर तक फैलाकर खड़ा किया जा रहा है। लोग अपने साथ बुजुर्गों को भी लेकर आ रहे हैं। SDM अभिषेक गहलोत ने बताया कि हमारा वैक्सीनेशन का कार्य सतत चल रहा है, लेकिन नौजवान 18 प्लस ज्यादा संख्या में आ गए हैं, लेकिन बुजुर्ग 44 प्लस की संख्या कम होने लगी थी। ऐसे में हमने ये स्कीम निकाली और 45 प्लस के साथ एक सेंटर पर 18 प्लस को भी बगैर स्लॉट वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, जिसका अच्छा परिणाम मिल रहा है और लोग इसे हम आगे अन्य सेंटरों के लिए भी लागू करेंगे, जिससे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो। देखिए, अभी देखने में ये आ रहा है कि 18 प्लस के युवाओं में तो वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह है, लेकिन 45 प्लस का लगभग सेचुरेशन हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी शहर में 60-65% वैक्सीनेशन हो चुका था। इसलिए जो बचे हुए 45 प्लस के हैं उनको कवर करने के लिए एक तरह से हमने 18 प्लस को ही उसके लिए एक तरह से आर्मी का उपयोग किया है कि यहाँ जो स्कीम वो है कि अगर कोई 18 प्लस का व्यक्ति किसी 45 प्लस को लेकर आता है तो न सिर्फ 45 प्लस को वैक्सीनेशन लगेगा, बल्कि बिना स्लॉट बुकिंग के 18 प्लस को भी वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। तो जिसका परिणाम ये हो रहा है कि जो लोग छूटे हुए थे, किसी कारण से नहीं लगा रहे थे या आनाकानी कर रहे थे, तो 18 प्लस के व्यक्ति जो हैं उनको जाकर मना रहे हैं, उनको आस पड़ोस से अगर उनके घर में कोई नहीं है तो पड़ोस के या रिश्तेदारों में से किसी को ढूंढ के 45 प्लस को लेकर आ रहे हैं ताकि उनका वैक्सीनेशन हो सके। तो उसका परिणाम ये होगा कि यहाँ पर जो भी वैक्सीनेशन होगा उसमें 45 प्लस की संख्या ज्यादा होगी 18 प्लस की अपेक्षा। देखिए, ये ट्रायल के बेसिस पे हमने पहले तो 200 स्लॉट का सोचा था, पर अब चूंकि यहाँ संख्या और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसलिए इसको भी बढ़ा रहे हैं और इसके सक्सेसफुल होने के बाद अन्य सेंटर में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं चालू करेंगे।